सिंपली स्वादिष्ट। मैं भारती मात्रे सिंपली स्वादिष्ट में आपका स्वागत करती हूँ और आज की हमारी रेसिपी है ग्रीन मसाला मटन चाप। ये एक नॉनवेज मेन कोर्स रेसिपी है जो आप राइस के साथ भी खा सकते हैं या फिर रोटी के साथ भी। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं या फिर आप इसे ड्राई भी खा सकते हैं। काफ़ी आसान है बनाने में और काफ़ी टेस्टी भी। तो वक्त ना गवाए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और फिर साइड में छोटी सी बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको मेरे नए नए रेसिपीज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सके। ग्रीन मसाला मटन चाप बनाने के लिए सबसे पहला हमें लगने वाला है मटन चाप। मैंने 8 पीसेस लिए हुए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं या फिर कम भी। हरा मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी पुदीना, 1 कटोरी धनिया, 7 से 8 तीखी हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 12 लहसुन के क्लोव्स, 1 पूरा नींबू का रस, 5 से 6 कड़ी पत्ता, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। खड़े मसाले में हमें लेना है 2 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग। मसालों में हमें लेना है 1/2 चम्मच हल्दी, 3/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 3/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और तेल। अब सबसे पहले जो मटन चाप है उसे अच्छे से धोना है, क्लीन करना है और उसके बाद हमें इसे मैरिनेट करना है हल्दी और नमक से। तो सबसे पहले नमक डालिए और फिर डालिए 1/2 चम्मच हल्दी, उसे अच्छे से लगाइए और 15 मिनट तक उसे ऐसे ही मैरिनेट होने दें। 15 मिनट के बाद इसे हमें पकाना है तो आप कुकर में पकाइए ताकि वो जल्दी हो जाए। तो कुकर में डालिए और उसमें सिर्फ 1/2 ग्लास पानी डालिए, हमें बहुत सारा उसका स्टॉक नहीं निकालना है। और इसमें हमें डालना है खड़े मसाले ताकि खड़े मसाले का जो स्वाद है वो पूरी तरह से इसमें घुल जाए। अभी इसे प्रेशर कुक करना है 10 से 15 मिनट तक या फिर 6 से 7 सीटी लीजिए, जैसे आपके कुकर की कैपेसिटी हो। कभी कभी सीटियाँ बहुत जल्दी हो जाती है, कभी कभी देर लगता है, तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक रखिए। 15 मिनट के बाद आप कुकर स्विच ऑफ कर दीजिए। मीनवाइल हम हरा मसाला तैयार करते हैं तो सिर्फ कड़ी पत्ता अब बाजू में कर लीजिए और बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स हमें ग्राइंड करने हैं। तो एक मिक्सर जार लीजिए, उसके अंदर डालिए लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना। अब इसमें हम लाइम स्क्वीज करके डालेंगे, मतलब नींबू का रस और थोड़ा सा पानी। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कीजिए और उसका अच्छा सा ग्रीन पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए अपना ग्रीन पेस्ट रेडी है। कुकर भी 15 मिनट के बाद मैंने स्विच ऑफ कर लिया था, वो थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब देख लेते हैं, कुकर खोल के देखिए, ये देखिए अपने मटन चाप रेडी है। थोड़ा सा स्टॉक भी है जो स्टॉक हम बाद में यूज़ करने वाले हैं। अब देखते हैं ये पके हैं कि नहीं। ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं। अब एक पैन में आप तेल गरम कीजिए, 3 से 4 टेबलस्पून तेल लीजिए। अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद अभी इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे उसे सॉफ्ट होने तक पकाइए। प्याज एक बार सॉफ्ट होने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद भी आंच मीडियम पर ही रखिए, फास्ट ना रखें। अभी टमाटो भी सॉफ्ट होने तक आपे पकाना है। अच्छे से गला दीजिए उसे, ये देखिए अब देख सकते हैं अच्छे से गल चुके हैं दोनों। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन पेस्ट, उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। इसे हमें थोड़ी देर तक पकाना है पर पहले हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे 3/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। तीनों मसाले डालने के बाद इसमें डालिए नमक स्वाद अनुसार। चाप बॉईल करते समय हमें उसमें नमक डाला था, इसीलिए सिर्फ इस मसाले के लिए हमें नमक डालना है। नमक और सारे मसाले डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसमें हम डालेंगे ज़रा सा पानी। जिस जार में हमने ग्रीन मसाला
ग्राइंड किया था उसी के अंदर आप थोड़ा सा पानी डालिए और वही पानी इसमें मिक्स कीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अभी हम इसे पकाएंगे, तो उसके लिए इसे ढक लीजिए और 5 मिनट तक उसे पकने दें। 5 मिनट के बाद आप उसे चेक कर सकते हैं। साइड से तेल भी छूटा हुआ है, मतलब ग्रीन मसाला अपना अच्छे से पक चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे अपने पके हुए चाप और उसका स्टॉक। जो खड़ा मसाला है वो डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरा स्वाद इसमें उतर चुका है। अब उसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसे भी हमें पकाना है थोड़ा मिक्स होने तक, तो वापस उसे ढककिए और 5 से 10 मिनट तक उसे पकने दे धीमी आंच पे, ताकि चाप का जो स्टॉक है और ग्रीन मसाला दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। 10 मिनट के बाद आप चेक कीजिए, आप देख सकते हैं तेल भी अच्छे से छूट चुका है, मतलब अपने मसाला चाप रेडी है। इस डिश को आप ऐसे ही खा सकते हैं सेमी ग्रेवी में, या फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छे से ग्रेवी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा और 3-4 मिनट तक फास्ट गैस पे पका के पूरी तरह से ड्राई कर सकते हैं। अब इस डिश को हम अच्छे से स्मोकी इफ़ेक्ट देंगे, मतलब तंदूर का स्वाद देंगे। तो उसके लिए हमें लगेंगे 2 पीस कोयला। तो कोयला डायरेक्ट आप गैस पे रखिए, मतलब एक जाली रखिए और उस पर कोयले के पीसेस रखिए और उसे अच्छे से जलने दें। और अच्छे से वो जब जल जाएंगे तो उसे एक कटोरी में रखिए और वही कटोरी चाप के बीचों बीच रखिए और उस पर डालिए 1/2 चम्मच घी। घी डालते ही तुरंत उसे ढक लीजिए, ताकि जो तंदूर का स्वाद है, मतलब कोयले का स्वाद है, जो स्मोकी इफेक्ट है, वो पूरी तरह से अपने मसाला चाप में उतर जाए। सिर्फ 5 मिनट तक रखिए और 5 मिनट के बाद तैयार होते हैं अपने ग्रीन मसाला मटन चाप विद तंदूर इफेक्ट। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, चाप भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो आप ये रेसिपी बना के ज़रूर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और बनाने के बाद अगर आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सिंपली स्वादिष्ट को ज़रूर फॉलो कीजिए और देखते रहिए सिंपली स्वादिष्ट। थैंक यू।